लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। हल्द्वानी आरटीआई के तहत पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ है राज्य सरकार और न ही शिक्षा देना चाहती है, इसका खुलासा हुआ। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से राज्य सरकार और भाजपा लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर केवल दिखावा करती है, इसका जीता जाता उदाहरण शिक्षा विभाग है, जहां पब्लिक स्कूलों में जुलाई में ही बच्चों को प्रवेश दे दिए गए थे और ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन आरटीआई के तहत पढ़ रहे बच्चों को शिक्षा और दाखिला देने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए कि जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं किसी भी आरटीआई के तहत किसी भी कक्षा में किसी भी बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और जबकि सभी पब्लिक स्कूलों में परीक्षाएं और कक्षाएं ऑनलाइन लगातार चल रही है, इससे साफ होता है कि राज्य सरकार गरीब बच्चों के साथ धोखाधड़ी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, आज नवंबर महीना आ गया है, अप्रैल से सारे स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन मोड में चल रही है, लेकिन जो सरकार है आज भी जो उनका आदेश है कि जब तक स्कूल नहीं खुलते इन बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाए, तो जब बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों उन्होंने इन बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी की है? जबकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक आम और गरीब के बच्चे को वो शिक्षा दे और प्रदेश के अंदर शिक्षा को बेहतर की ओर ले जाए, तो सरकार पूरी तरह विफल रही है। और आज भी उन बच्चे जो है अपने दाखिले के लिए माँ बाप भटक रहे हैं कि हमारे दाखिले कब होंगे। देखिए, इन्होंने जो आरटी के जो प्रावधान है उससे इतर जो एक एनजीओ को ये जिम्मेदारी दे दी और प्रावधानों का जिसमें बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, और लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे इन्होंने बच्चे अलॉटमेंट किए और जो अलॉटमेंट लिस्ट स्कूलों को जारी करी उनको प्रवेश देने को नहीं बोला गया है जब तक स्कूल खुलते हैं, तो वो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? और दूसरी बात ये है कि उस अलॉटमेंट लिस्ट में अदर डिस्ट्रिक्ट के अदर ब्लॉक्स के जो है अदर ब्लॉक्स के बच्चों को प्रवेश अलॉटमेंट लिस्ट में नाम दिया गया है, तो उन बच्चों का तो वैसे ही प्रवेश नहीं होना है, तो उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। और उनके न्याय के लिए कांग्रेस जो है इसको सड़क से लेकर सदन तक जो है लड़ेगी। जो बच्चों को मना कर रहे, क्या बच्चों को आप देंगे ऐसे बच्चों को जबकि सरकार ने मना किया? देखिए, हम सारे जो विद्यालय होते हैं प्राइवेट विद्यालय वो एक्ट से गवर्न होते हैं, जब इसमें प्रावधान नहीं है और जो इस बिना प्रावधान के अंतर्गत कैसे कोई काम कर सकता है, तो ये समय जो बर्बाद किया है सरकार ने अपनी कमियों की वजह से, तो भुगतना एक आम गरीब बच्चे को पड़ रहा है।